सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेकटॉक्स के रिफ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, हम करते हैं शुरुआत पुराने पोल के साथ जहां पे सवाल था कि आप एक दिन में कितने घंटे मोबाइल फोन को यूज करते हैं, और आप में से 76% ने कहा कि आप 4 घंटे से ज्यादा हर रोज फोन को इस्तेमाल करते हैं। यार बहुत ज्यादा टाइम होता है ये, मैं तो मुश्किल से शायद 1-2 घंटे करता हूँ। बट एनीवेज, यहाँ पर दोस्तों भी यार आज का जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि अगर आपको अभी एक नई गाड़ी खरीदनी हो तो आप क्या प्रेफर करेंगे? क्या आप एक पेट्रोल कार लेंगे, या फिर आप एक डीजल इंजन वाली गाड़ी लेंगे, या फिर आप लेंगे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल? दोस्तों बताना जरूर कि आपका जवाब सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए नीचे कॉमेंट करते हुए और हमेशा हर बार की तरह पूरी ताकत के साथ में दबा डालिए वीडियो में सीधा लाइक बटन को। दोस्तों बात करते हैं पहले बिट को लेके निकल के आता है Realme 9 Pro को लेके। यहां पर दोस्तों यार अगर माने रिपोर्ट्स की तो ये Snapdragon 695 के साथ में आ सकता है, और अगेन दोस्तों यहां पे अभी के लिए जो है वो Realme 9 का कोई दूर दूर तक अता पता नहीं है। तो यहां पे खैर खबर ये भी चल रही है कि Realme 9 शायद बाद में आएगा, पहले 9 Pro और 9 Pro Plus या ऐसा कुछ आने वाला है Realme की तरफ से, 9i आ जाएगा उससे पहले। देखते हैं एग्जैक्टली क्या चल रहा है पूरा सीन, और कहीं ऐसा तो नहीं कि Realme 9 मतलब सस्ते वाला नहीं आएगा, बाद में आएगा, पहले महंगे महंगे आइटम्स Realme लॉन्च कर दे। यहां पर दोस्तों हमारे पास में BGMI का दोस्तों जो फाइनली अभी अपडेट है वो आ चुका है स्पाइडरमैन वाला, तो आप बड़े आराम से एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहां पे क्राफ्टन ने कुछ नोन इश्यूज को भी हाईलाइट किया है, तो अगर आपको हल्के फुल्के ग्लिच आए तो टेंशन की बात नहीं है, ये जल्दी जल्दी फिक्स हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए स्पाइडरमैन वाला पूरा मजा आपको BGMI में मिलने वाला है। यहां पर दोस्तों हमारे पास में अभी टेस्ला वाला दोस्तों जो हुआ था सीन ना, जहां पे इलॉन मस्क ने जो है वो ट्वीट किया था कि अभी दे आर स्टिल वर्किंग थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस विद द गवर्नमेंट। तो यहां पर दोस्तों अभी जो तेलंगाना के कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने रिप्लाई किया है और उन्होंने बोला है कि भाई आप आ जाओ इंडिया और तेलंगाना में और हम सारी बातें करके सब कुछ सही एकदम कर लेंगे, बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। देखते हैं एग्जैक्टली दोस्तों क्या रहती है पूरी बातें और इंडिया में आके टेस्ला ऑफिशियली कब तक आ पाता है। यहां पर यार वैसे आदित्य बिरला फैशन का दोस्तों जो डेटा है वो अगर हम माने रिपोर्ट्स की तो भैया ऑनलाइन लीक हो गया है। करीब करीब 5 मिलियन से भी ज़्यादा कस्टमर्स के ईमेल एड्रेसेस और दोस्तों बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बिजनेस दोस्तों अभी ब्रीच हो गई हैं ऑनलाइन, मतलब एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिटेल्स, रिलीजन, इसके अलावा उनका मैरिटल स्टेटस वगैरह दोस्तों वो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन लीक हो गई हैं। बुरा लगता है यार जब मतलब इतने बड़े बड़े दोस्तों डेटाबेसिस हैं वो जब लीक होते हैं ऑनलाइन ऐसे, तो क्या करें यार बहुत ज़्यादा। अगर आपने कभी यूज़ किया है आदित्य बिरला फैशन एंड डिटेल वगैरह तो आप जो है वो अपने ईमेल वगैरह पासवर्ड्स वगैरह थोड़े से एक बार संभाल लो, वरना पता नहीं कहीं कहाँ से पता नहीं अटैक वटैक हो जाए। यहाँ पे दोस्तों अभी हमारे पास में नेटफ्लिक्स जो है इसने प्राइसिंग इंडिया में तो कम कर दी है और बहुत कम कर दी है और काफ़ी मजे का सीन बना दिया है, लेकिन अभी US और कनाडा में जो इनकी सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग है उसको बढ़ा दिया है। तो यार अच्छी बात है, बाहर बढ़ाते चलो, इंडिया में जो है वो अच्छी कीमत पे चीज़ें ऑफर करते चलो, तो मजा सही में बहुत ज्यादा ही आएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में वैसे iPhone 14 लाइनअप को लेके अपडेट निकल के आता है कि यार सभी जो है वो आएंगे 120Hz डिस्प्ले के साथ में और सभी में 6GB की रैम होने वाली है। तो मतलब शायद जो डिफरेंसेस हैं नॉर्मल में और प्रो में वो शायद हल्के हल्के नैरो हो जाएगा गैप, बिकॉज ज्यादा कुछ मेजर डिफरेंसेज बचेंगे नहीं। बाकी खैर लेट्स सी कि आखिर एप्पल किस तरीके से जो है वो लाइनअप लेके आता है जहां पे 14 Max, 14 Pro और 14 Pro Max होने वाले हैं। अभी दोस्तों अपडेट जो है हमारे पास में वो सीधा Xiaomi की तरफ से आ रही है, जहां पे Xiaomi 12 Ultra जो है इसमें दोस्तों होगा एक 5x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस वाला कैमरा सिस्टम, और अगेन यहां पे कैमरा जो है वो दोस्तों मेन हाईलाइट होने वाला है। यहां पे आप देखो खुद यार जो केस का एक रेंडर है कि कितने सारे आपको अलग अलग मॉड्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फोन जो है बहुत ही दमदार सा होगा। ऑल्दो वो जो रियर डिस्प्ले है वो निकाल दिया है Xiaomi ने, तो शायद वो इतना हिट नहीं रहा Mi 11 Ultra में। अभी देखते हैं कि 12 Ultra में और क्या क्या नए नए फीचर्स हमको देता है Xiaomi। वैसे यार अगली खबर है Samsung की तरफ से, और अभी Samsung यहाँ पे TVs लॉन्च करने वाला है जहाँ पे लगा होगा LG का OLED पैनल।
तो सैमसंग एलजी से पैनल लेगा, टीवी बनाएगा और ओलेड टीवी लॉन्च कर देगा मार्केट में, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। वैसे अगली खबर हमारे पास में वीवो नेक्स 5 को लेके है, और यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स 5 होने वाला है वीवो का ना, ये लगता है बहुत एकदम ऐसा अल्टीमेट सा फोन होने वाला है, जहाँ पे 7 इंचज का डिस्प्ले होगा, साथ में होगा अगेन 5x पेरिस्कोप जूम वाला कैमरा सिस्टम, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वगैरह, मतलब एकदम ऐसा अल्टीमेट काम करने वाला है वीवो। तो लेट्स सी कि आखिर इस फोन को क्या ये कॉन्सेप्ट फोन बना के रखते हैं, या एक्चुअल में नो मार्केट में आता है काफी क्रेजी फीचर्स वगैरह के साथ में। हमारे पास में अभी मोटो जी स्टाइलस जो है वो एक प्रोमो वीडियो में सामने आ गया है, और अगेन दोस्तों यहाँ पे स्टाइलस वगैरह दिख रहा है हमको, 2 दिन की बैटरी लाइफ की हम बातें भी कर रहे हैं। तो अभी लेट्स सी कि मोटोरोला इस फोन के साथ में और बाकी स्पेक्स जो है वो कौन सी वाली पैक करने वाला है। यहाँ पे अभी सैमसंग जो है उसने एक लैपटॉप पेटेंट कर लिया है, जो डबल डबल दो दो बार दोस्तों फोल्ड हो जाता है। तो अगेन मतलब मल्टी फोल्ड डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं, तो लैपटॉप एक बार जैसे आप तय करते हैं ना कपड़े की, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे, तो ऐसे दोस्तों कुछ होने वाला है सीन इस लैपटॉप का। देखते हैं ड्यूअल फोल्डिंग लैपटॉप जो है वो सैमसंग कब तक लॉन्च करेगा। वैसे यहाँ पे अभी फेसबुक जो है वो भी लॉन्च करना लगता है अपनी एक मेटा वाली स्मार्ट वॉच, जहां पे एक डिटैचेबल रोलेबल डिस्प्ले होगा, इसके अलावा दोस्तों साथ में 3-3 यू नो अलग अलग कैमरा सिस्टम्स वगैरह भी हो सकते हैं डिटैचेबल, यू नो अलग अलग तरीके से। देखते हैं कि आखिर किस तरीके से ये जो कंप्लीट स्मार्ट वॉच है, कैमरास लगे हैं और फेसबुक का नाम अगर साथ में आए तो भैया दिल में ऐसे धक 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 होने लगता है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होगा। हमारे पास में अभी एंड्रॉयड 13 को लेकर दोस्तों अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, जहां पे इस बार जो है वो कुछ ऐसा होगा कि मतलब मल्टीपल मटेरियल यू के डायनेमिक थीमिंग स्टाइल तुमको मिलने वाली है। मतलब अभी के लिए जो है वो एंड्रॉयड 12 के अंदर मटेरियल यू बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है, अभी एंड्रॉयड 13 में वो एक और लेवल आगे निकल जाएगा और आपको अलग अलग डायनेमिक थीमिंग स्टाइल्स मिलने वाली है एंड्रॉयड 13 के साथ में। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में गूगल जो है वो अभी टेस्ट कर रहा है स्मार्ट डाउनलोड्स जो यूट्यूब ऐप है उस पर, तो अभी ऐसे में आप जो है वो अगर वाईफाई में रहते हैं तो अक्सर यूट्यूब आपके लिए फेवरेट चीजें जो है जो YouTube को लगता है वो डाउनलोड करके रख देगा अपने आप स्मार्ट डाउनलोड के चलते, जिसको आप फ्यूचर में बड़े आराम से एंजॉय कर पाएंगे। यहां पर दोस्तों अगली कहानी आती है साइबॉर्ग बॉब ई इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक को लेके, नाम बोलने में भैया इंसान जो है वो पछता जाए, बट एनीवेज यहाँ उसको लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे 110 किलोमीटर की रेंज है, 85 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, और ऐसे में काफ़ी इंटरेस्टिंग सी दिख रहा है दोस्तों ये बाइक है। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके यार आपका क्या यू नो ख्याल है मुझे नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताना। हमारे पास दोस्तों यहाँ पे अगली खबर आती है रेडमी नोट 11 को लेके, और यहाँ पे भैया ये यूरोप में आने वाला है, उसका लगता है कि इंडिया में भी जल्दी आएगा, मतलब चाइना वाला पूरा सीन हो गया, इंडिया में उसको शाओमी ने अपना 11i हाइपर चार्ज क्या क्या बना दिया है, अभी लेट सी कि क्या वाकई में नया काम करता है शाओमी, और रेडमी नोट 11 सीरीज जो है उसमें कौन से फोन्स मिलते हैं, या फिर वही इधर का उठाया उधर चिपकाया रीब्रांडिंग की, मतलब लेट्स सी खैर शाओमी क्या करने वाला है। आखिरी दोस्तों खबर है हमारे पास में सोनी को लेके, और सोनी ने भैया अनवील कर दिया है, देखो देखना पड़ेगा इस तरफ बिकॉज मॉडल नंबर होते हैं बहुत ही लंबे लंबे, बट स्टिल देखो याद रखता हूँ WH1000XM4 और WF1000XM4। यहाँ पर दोस्तों ये स्पाइडरमैन स्टाइल्स में साथ में अपना वॉकमैन वगैरह जो है वो भी स्पाइडरमैन थीम के सोनी ने लॉन्च कर दिया, तो अगर आप सोनी के फैन हैं, अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग यू नो परचेज हो सकती है आपके लिए। तो दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका कोई तो सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।